ऑल राइट, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट इज सरफेस टेंशन और सेकंड जो है वो है बॉयंसी फेनोमेना। तो आपने डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे फेनोमेना देखे होंगे लाइक दिस स्मॉल इंसेक्ट फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, द ड्रॉपलेट हैविंग ए स्फेरिकल शेप, पिन मेड अप ऑफ आयरन इज फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड। दीज ऑल आर बिकॉज ऑफ सर्फेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन एक ऐसा फिनोमिना है जो सिर्फ लिक्विड में होता है, गैस और सॉलिड में नहीं होता है। तो आप यहाँ पर एक फिगर देखो, फिगर में उस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जो लिक्विड के इनसाइड में है। तो वो लिक्विड के इनसाइड में जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने चारों तरफ अपने ही जैसे वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से उस पर जो फोर्स लगता है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल फोर्स लगता है। डैट्स वाई उस पर जो नेट फोर्स है वो जो है वो ज़ीरो है। नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब ये जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है जो पानी के इनसाइड में है वो स्टेबल है, और स्टेबल होने का मतलब ये हो गया कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम है। ओके, बट वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर है तो वो जो है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से सिर्फ फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से उस पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो नहीं होगा। और नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होने की वजह से वो अनस्टेबल फील करता है, और उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो इनर मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स है जो सरफेस पर है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से जो लिक्विड का जो टॉप लेयर होता है, टॉप सरफेस जो होता है, वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन्स की तरह बिहेव करने लगता है, और इसी इलास्टिक मेम्ब्रेन्स का बेनिफिट वो इंसेक्ट जो है वो अपने फ्लोट करने के लिए यूज़ करता है। तो इसी फेनोमिना को कहते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसी इलास्टिक मेम्ब्रेन्स पर जब आप आयरन पिन को स्लाइटली प्लेस करते हो तो वो फ्लोट करने लगता है। ऑल दो आयरन का डेंसिटी जो है वो वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है, फिर भी ये आयरन जो है इसके सरफेस पर फ्लोट करता है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाटर का जो ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल शेप का क्यों होता है, मींस ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का क्यों होता है। तो रीज़न इज़ डैट कि वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और वो मॉलिक्यूल जो वाटर के इनसाइड में है उसका पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो इसी पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं सरफेस एनर्जी। और सरफेस एनर्जी का जब आप फॉर्मूला देखोगे तो सरफेस एनर्जी जो है वो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इसका मतलब जब एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस एनर्जी कम होगा, मतलब एनर्जी कम होगा इसका मतलब बॉडी जो है वो स्टेबल होगा। तो किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो सबसे मिनिमम होता है। डैट्स वाई आपका जो वाटर ड्रॉप है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए स्फेरिकल शेप अचीव करता है। ओके, जिसकी वजह से उसका जो एरिया है वो मिनिमम हो जाता है, और एरिया जब मिनिमम होगा तो सरफेस एनर्जी जो है वो कम होगा, और जब सरफेस एनर्जी कम होगा तो बॉडी जो है वो स्टेबल होगा, सिस्टम जो है वो स्टेबल होता है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है फेनोमेना ऑफ बॉयंसी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में पार्शली या फुल्ली सबमर्ज करते हो तो उस बॉडी पर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स फील होता है, उसी अपवर्ड फोर्स को हम लोग कहते हैं अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स, और इसी फेनोमेना को कहते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी। और इसका फॉर्मूला जो होता है फोर्स ऑफ बॉयंसी का वो है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में डिस्प्लेस करोगे, किसी फ्लूड में या लिक्विड में डिस्प्लेस करोगे, तो कुछ वाटर जो है वो बाहर आएगा। ओके, तो जो वाटर बाहर आता है उसका जो वेट होगा वही फोर्स ऑफ बॉयंसी के इक्वल होगा। दिस मीन्स डैट फोर्स ऑफ बॉयंसी का फॉर्मूला होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ओके, वेट को आप लिखोगे एम जी। ओके, और मास को आप लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। मगर याद रखना यहाँ डेंसिटी जो है वो फ्लूड का आपको लेना है। ओके, वॉल्यूम वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ वो वॉल्यूम लेना है जो वाटर या फ्लूड के इनसाइड में है, आउटसाइड वॉल्यूम को आपको नहीं लेना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक स्फीयर है जो हाफ सबमर्ज है, और इसका डेंसिटी जो है वो रो है, और लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो टी है। ओके, तो आपको इस स्फीयर का जो है रेडियस फाइंड आउट करना है, और ये जो स्फीयर है वो इक्विलिब्रियम में है। सपोज ये आपका स्फीयर है, रेडियस आर है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो स्फीयर है वो इक्विलिब्रियम में है, डैट इज़ ये फ्लूड में फ्लोट कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग का ये आप जानते हो कि इसका जो वेट है वो बैलेंस्ड हो चुका है। तो यहाँ पर इसके वेट को किसने बैलेंस किया है? ऑफकोर्स फोर्स ऑफ बॉयंसी ने, और प्लस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ने। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे फोर्स ऑफ बॉयंसी प्लस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन टी इज इक्वल टू एम जी।
और फोर्स ऑफ बॉयंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था रो वी जी, मगर यहाँ पर आपको डेंसिटी क्या लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिग्मा इंटू वॉल्यूम इन साइड इंटू जी, और सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स डेवलप होगा तो वो आप फॉर्मूले से डिराइव कर लो, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस मीन्स डेट फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, डेट इज एफ इंटू एल इज इक्वल टू एम इंटू जी, मास को आप लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, यहाँ पर जो मास है ये बॉडी का मास है, तो यहाँ पर जो आप डेंसिटी लोगे वो बॉडी का डेंसिटी होगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रो है, तो दिस इज रो वी जी। नेक्स्ट लाइन में आप देखो सिग्मा इंटू वॉल्यूम इनसाइड, कितना वॉल्यूम इनसाइड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ, तो आप यहाँ लिखोगे वी बाई टू इंटू जी, और प्लस एफ इंटू लेंथ, लेंथ की जगह आप यूज़ करोगे टू पाई आर, क्योंकि जैसे मैंने बताया था सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस फेनोमिना है, तो सरफेस पर आपको ये यहाँ पर एक सर्कल नजर आएगा, तो इस सर्कल के लिए जो लेंथ होगा वो डेट इज पेरीमीटर, डेट इज टू पाई आर आप यूज़ करोगे, इज इक्वल टू रो वी इंटू जी। नाउ सिग्मा इज इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा 4 बाई 3 पाई आर क्यूब बाई 2 इंटू जी, एंड एफ इंटू 2 पाई आर इंटू टी इज इक्वल टू रो, अगेन वॉल्यूम इज 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, आप इसको सॉल्व करेंगे तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा 2 आर स्क्वायर क्यूब जी रो बाई 3 माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी बाई 3, डेट इज आर स्क्वायर बाई 3 जी 2 सिग्मा माइनस आर, आपको वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करना है आर का, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3t डिवाइडेड बाई जी टू रो माइनस अल्फा, तो फाइनली आर का जो वैल्यू आता है वो अंडर रूट के 3t 2 सिग्मा माइनस रो, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझने से पहले आप ये पिक्चर देखें। ओके, तो आपने ये ज़रूर से किया होगा कि जब आप किसी पाइप जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है उसके माउथ को प्रेस करते हो तो उसके जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाता है, तो सिंपल सी बात है जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करते हो तो आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है, इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, और ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, तो सपोज फिगर में आप देखो कि एक पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है A1 टू E2 एंड वेलोसिटी वेरी कर रहा है V1 टू V2, भाई मास कंजर्वेशन सिंपल सी बात है, किसी भी पार्टिकुलर टाइम में जितना मास पाइप में इंटर होगा सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ मास को जो है वो पाइप से बाहर आना पड़ेगा ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास, बट मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज रो इंटू V1 इज इक्वल टू रो इंटू V2, और यहाँ पर एक कंडीशन है। ओके, ये लिमिटेशन आप कह सकते हो या आप कह सकते हो assumption कि आपका जो फ्लूड है वो कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्लूड होना चाहिए, और आइडियल फ्लूड होने के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। पहला कंडीशन, लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, डैट इज़ उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब उसका डेंसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। सेकंड जो है वो इरोटेशनल होना चाहिए, मीन्स जब वो लिक्विड फ्लो करे तो उसमें रोटेशन नहीं होना चाहिए, डैट इज़ उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। और थर्ड जो है वो नॉन विस्कस होना चाहिए, मीन्स उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए, डैट इज़ उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ। ओके, तो ए इंटू X1 इज इक्वल टू रो इंटू A2 इंटू X2। अब लेंथ को आप लिख सकते हो, डैट इज़ लेंथ इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, that is A1 V1 into delta t is equal to A2 V2 delta t. This means that final formula आ जाएगा A1 V1 is equal to A2 V2. हाँ, A जो है वो area of cross section है और V जो है वो velocity of flow of fluid है। जैसे मैंने आपको बताया था इसका जो limitation है वो क्या है, ये fluid कैसा होना चाहिए, ideal fluid होना चाहिए, और one more thing, इसमें जो fluid का flow है वो streamline flow होना चाहिए। Okay, streamline flow मैं आगे आपको discuss करूँगा आपके साथ। ओके, नेक्स्ट अगर सपोज करो कि इसका जो फ्लूड है वो नॉन विस्कस है या इरोटेशनल है, या सिंपली कहें कि वो नॉन आइडियल है, तो नॉन आइडियल के लिए डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाएगा, तो उस केस में जो रो का टर्म है वो कैंसिल नहीं होगा। ओके, डेंसिटी चेंज होने की वजह से फॉर्मूले में भी चेंज आ जाएगा, डेंसिटी टर्म कैंसिल नहीं होगा, तो फाइनल फार्मूला होगा रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2। नेक्स्ट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो है एक्सटेंशन है,
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपने ये देखा कि जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करते हो तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड चेंज करते हैं। वेलोसिटी के चेंज को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, और बॉडी में अगर एक्सेलरेशन है तो इसमें डेड फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और बॉडी पर अगर फोर्स एक्ट कर रहा है और बॉडी में मोशन है इसका मतलब उस फोर्स ने कुछ वर्क किया होगा, और वर्क क्या होता है एनर्जी, और एनर्जी क्या होता है कंजर्व, तो इसका मतलब फर्नौलिस प्रिंसिपल जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो सपोज यहाँ पर एक पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहा है, और पाइप का जो हाइट है वो डिफरेंट हाइट पर है, H1 टू H2 हाइट। स्टार्टिंग पॉइंट में जो प्रेशर है वो P1 है, वेलोसिटी V1 है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। प्रेशर चेंज हो गया P2, V2 और A2। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, हम डेरिवेशन स्किप करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। बेसिकली फॉर बर्नौलीज प्रिंसिपल सम ऑफ प्रेशर एंड हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर को हम लोग कहते हैं काइनेटिक हेड और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस रो जी एच डेट इज पोटेंशियल हेड और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। और बर्नौलीज प्रिंसिपल का भी लिमिटेशन या एजम्पशन वही होगा जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में था, डेट इज फ्लूड होना चाहिए आइडियल और फ्लो होना चाहिए स्ट्रीम लाइन। ओके, और इसमें एक और लिमिटेशन है कि एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, तो जैसा आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज प्रिंसिपल में ये देखा कि आपका जो फ्लूड है वो उसका स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है उसको समझते हैं। तो सपोज यहाँ पर एक लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, ओके, और किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट ए पर उसका वेलोसिटी VA है और पार्टिकुलर पॉइंट बी पर उसका वेलोसिटी VB है। ओके, तो अगर ये लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो है तो इसका मतलब वो सारे फ्लूड पार्टिकल जो ए पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, अगर उसका वेलोसिटी VA रहता है और वही फ्लूड पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंचते हैं और उनका वेलोसिटी चेंज होकर के VB हो जाता है, तो इस टाइप के फ्लो को कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो वो सारे फ्लूड पार्टिकल जो ए पॉइंट पर पहुंच रहे हैं उनका स्पीड जो है वो 6 मीटर पर सेकंड है। अब यही सारे मॉलिक्यूल जब पॉइंट बी पर पहुंचते हैं तो उनका स्पीड जो है वो चेंज हो जाता है और हो जाता है 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आप ये देखो डिफरेंट पॉइंट पर जो है वो वेलोसिटी डिफरेंट है, ए पॉइंट पर 6 है और बी पॉइंट पर 3 मीटर पर सेकंड है, मगर वो सारे मॉलिक्यूल जो बी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं उनका स्पीड 3 है। उसी तरह से सारे फ्लूड पार्टिकल जब ए पॉइंट पर पहुंच जाए तो उनका स्पीड जो है वो 6 है। ओके, तो इस टाइप के फ्लो को कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, और स्ट्रीम लाइन फ्लो में जो पाथ वो फ्लूड पार्टिकल फॉलो करता है उस पाथ को कहते हैं स्ट्रीम लाइन्स। ओके, और इसका एक और डिफिनेशन ये है, ऐसे आप समझ लो कि स्ट्रीम लाइन फ्लो उस टाइप के फ्लो को कहते हैं कि जिसमें फ्लूड पार्टिकल अपने एंसेस्टर को फॉलो करता है। ओके, एंसेस्टर मीन्स इससे जस्ट पहले वाला जो फ्लूड पार्टिकल का जो स्पीड था, जो डायरेक्शन था डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, एग्जैक्टली सेम उसके पीछे वाले मॉलिक्यूल्स का भी सेम डायरेक्शन सेम स्पीड हो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, तो उस टाइप के फ्लो को कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्ट्रीम लाइन्स के वो आप जानो। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रीम लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, स्ट्रीम लाइन पर आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो वेलोसिटी ऑफ फ्लूड देता है। नेक्स्ट, दो स्ट्रीम लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लूड पार्टिकल का दो डायरेक्शन हो जाएगा एक ही पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट ये है कि जितना ज़्यादा आपका स्ट्रीम लाइन्स का डेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा आपका वेलोसिटी होगा, डेट इज डेंसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूड। और ये थर्ड पॉइंट को प्रूफ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो एक पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, और यहाँ पर मैं जो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ वो स्ट्रीम लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देखो कि स्ट्रीम लाइंस का जो डेंसिटी है वो आगे वाले पोर्शन में जो है वो काफ़ी डेंस है और पीछे वाले पोर्शन में काफ़ी रेयर है, डेंसिटी जो है वो कम है। ओके, आप ये देखो जहाँ डेंसिटी कम है वहाँ एरिया ज़्यादा है, ओके, और जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ एरिया कम है। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने देखा था कि जहाँ एरिया ज़्यादा होता है वहाँ वेलोसिटी कम होते हैं। ओके, तो इसका मतलब पीछे वाले पोर्शन में जो है वेलोसिटी कम है, ओके, वहाँ डेंसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइन्स वो कम है।
ओके। और जहाँ पर आप आगे वाले पोर्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर आप डेंसिटी भी ज़्यादा है और वेलोसिटी भी ज़्यादा है। तो इस तरह आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हेल्प से स्ट्रीम लाइन्स के जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज डेंसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लोड, इसको आप प्रूव कर सकते हैं। तो सपोज ये आपका एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है जिसका एरिया जो है वो चेंज कर रहा है। ए पॉइंट पर एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बी पॉइंट पर जो है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेशर डिफरेंस पी ए माइनस पी बी का वैल्यू 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अभी आपको फाइंड आउट करना है फ्लो रेट। तो फ्लो रेट होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ फ्लूड कमिंग आउट पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ इंटू टाइम, और लेंथ बाय टाइम दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम जो है वो होता है वेलोसिटी। तो दिस मींस दैट एरिया इनटू वेलोसिटी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अगर मैं किसी भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ वी ए और वी बी का, तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मुझको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर रहा हूँ, दैट इज ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। और यहाँ लिखेंगे ए ए वी ए इज इक्वल टू ए बी वी बी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ए का वैल्यू 40 है, वी ए इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू 20 है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो वी ए इज इक्वल टू वी बी बाई 2 हो जाएगा। ओके, अब आप नॉलेज प्रिंसिपल यूज करो एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो फॉर्मूला आप लिखोगे पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी। क्योंकि आपका जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल है तो हाइट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो रो जी एच और रो जी एच ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म हो जाएगा पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करें पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू हाफ रो वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए माइनस पी बी का वैल्यू जो है वो 700 है। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वी बी का वैल्यू जो आएगा वो अंडर रूट 28/15 आ जाएगा। ओके, अब फ्लो रेट फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था ए इंटू वी दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी। ओके, वैल्यू पुट करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी पॉइंट पर क्या है 20 और वेलोसिटी एट वी पॉइंट बी ओके वो है अंडर रूट 28/15। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको रफली भी सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर जो आएगा 2732 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं 28 को 30 लिख देता हूँ तो 15 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये रूट 2 हो जाएगा और रूट 2 का वैल्यू होता है 1.732। और 1.732 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 34 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो जब आप इसका यूनिट चेंज करोगे तो वो पॉइंट डिलीट हो जाएगा। ओके, तो जो ऑप्शन सबसे क्लोज है वो 34 से जो है वो 27 से है। ओके, तो आंसर जो है आपका 27.32 होगा। ओके, और ऑप्शन में जो है ना गैप बहुत ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इसमें 0 आप टिक लगा सकते हो 27.32 सेंटीमीटर के ऊपर।